हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैथ की क्लास 5 होने वाली है, जिसके अंदर मैं सिंप्लीफिकेशन के आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और शुरू करते हैं। ये मैथ की क्लास 5 है और ये क्लास आपको पटना सिविल कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जितनी भी कोर्ट की भर्तियां हैं, FCI है और बाकी जो ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की जितनी भी भर्ती होती है उसके अंदर आपको ये सारी सारे सवाल मैथ के देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, एक बार मैं आपको रिमेम्बर करवा देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। देखिए जब भी इस प्रकार की फ्रैक्शन आएगी तो आपको करना क्या है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आपको पकड़ना है। ये एक पहले लिखा है तो आपको एक पहले लिखना है, चार बाद में लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस ले लो, 1 2 3 4। अब इस चार में एक जोड़ो, पाँच, पाँच में चार जोड़ो, नौ, नौ में पाँच जोड़ो, 9 1 10 4 14, 14 में 9 जोड़ो, 14 6 20 और 20 3 23, ठीक है। अब इसका आंसर क्या बनेगा, हमने पहले वाले को आगे लिखा था तो ये लास्ट में क्या आया, 14 और 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 14/23, ठीक है। आपका रिवीजन हो गया। आगे पीछे क्या लेना है वो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आपको रिपीट कराया। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो ऊपर एक है ना, यहाँ पे प्लस नहीं है, ऊपर एक है ना, ये एक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन केवल यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, तो हम ये जो 14/13 है हम इसको 23/14 लेंगे फिर, ठीक है। फिर इसका आंसर हो जाएगा 23/14, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर यहाँ कहीं माइनस होगा तो आप उस जगह पे माइनस ले लेंगे, कभी कभी बीच में माइनस दे देता है। और एक तरीके का और क्वेश्चन होता है कि ये बीच में जो एक दे रखा है ना, यहाँ पे एक दे के ना देकर कभी कहीं 2 दे देगा, कहीं 3 दे देगा, तो जिस प्लस के पास या जिस माइनस के पास 2 या 3 दिया होगा उस प्लस की जगह आप वहाँ पे 2 लिखेंगे। जैसे कि ये 4 1 5, हम ये ऐड नहीं करते हैं, हम 4 को पहले 1 से गुणा करते हैं, यानी कि हम मान के चलते हैं कि 4 गुणा 1, 4 1 4 और +1 5, तो उस टाइप पे ये 5 हो जाता है। फिर उसके बाद इसको 5 5 में हम इस 4 को डायरेक्टली नहीं जोड़ते हैं, हम 5 को 1 से गुणा करते हैं, ये इन वाले 1 से, यानी 5 1 5 और +4 9। फिर हम 9 में डायरेक्टली 5 नहीं जोड़ते, हम 9 को 1 से गुणा करते हैं, तो 9 1 9 +5 14। तो उसी तरीके से जब सेकेंड वाले प्लस के पास अगर यहाँ पे 3 होगा तो आप यहाँ पे 3 लेंगे, 3 प्लस लेंगे और फिर 9 को उस 3 से गुणा करके फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, तो इस तरीके से होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसमें और आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये होता है कि देखिए यहाँ पे +1 के साथ सीधा एक आ रहा है, ये अपॉन में नहीं है, ये अपॉन में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 और 4 को आप लिख लो, 1 4, उसके बाद 1 2 3 4, 4 प्लस है तो 1 2 3 4। अब 4 में 1 जोड़ो, 5, 5 में 4 जोड़ो, 9, 9 1 10 4 14, 14 में 9 जोड़ो, 14 6 20 23, और 23 में फिर 14 जोड़ोगे, ठीक है। 23 में 14 जोड़ोगे तो 20 और 10 30, 30 4 34 और 34 3 37, यहाँ पे 37 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 37/23, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने 9 में 14 जोड़ा, 23 आ गया, और 23 में फिर मुझे 14 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 14/ इसका आंसर होगा 37, यहाँ पे 37 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा जोड़ना है। देखो 4 में 1 जोड़ा, 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 9 जोड़ा 23। अब ये 23 में फिर 14 जोड़ेंगे तब यहाँ पे एक जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा, ठीक है। इस बात का स्पेशल ख्याल रखना कि जितने भी पॉइंट होंगे उतने पॉइंट लेना है, लेकिन आखिरी में जाके आप यहाँ पे मत रुक जाना। जैसे अभी मेरे से गलती हुई है, ये गलती आपसे भी होगी, तो आखिरी में जाके आपको रुकना नहीं है, आखिरी में भी जाके आपको एक और ऐड करना है, यानी कि प्लस के बाद पॉइंट के बाद भी एक वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू फिर आंसर होगी। जैसे यहाँ पे 37/23 आया तो इसमें ऊपर तो अपॉन है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि 37/23 होगा, लेकिन यहाँ पे अपॉन में 1 था तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप 37 लिखो, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 23/37, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37/23।
ठीक है। और मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं कि अगर यहाँ पे कोई संख्या आएगी तो उस प्लस की जगह आप वो संख्या लेके उसको गुणा करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 दे देता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं आप, 4 में 1 जोड़ते 5, अब 5 को 2 से गुणा करते, 5 दूनी 10, और फिर ऐड करते 4, 14, और फिर यहाँ पे 14 आ जाता। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बनता है। और जब प्लस माइनस होता, अगर माइनस होता तो आप माइनस करते, तो ये सीक्वेंस, ये वाला फ्रैक्शन आपको आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन, अगले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक ये सीरीज आती है, ठीक है, इसमें हमें कैसे करना है, देखो आपको इसमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको ये देखना है कि इनके बीच में देखो एक एक लगातार एक पैटर्न होगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस 2 का है, 3 प्लस 2 5, फिर अगले में 5 प्लस 2 7, फिर 7 प्लस 2 9, फिर 9 प्लस 11, 9 प्लस 2 11, फिर 11 प्लस 2 13, और फिर 13 प्लस 2 15। मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है। इसको हमें कैसे करना होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है और एक सिंपल सा ट्रिक होता है। तो पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से कैसे बनता है ये, फॉर्मूले से बनता है 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस यही जो इनके बीच में होता है, 1 अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट, और माइनस 1 अपॉन में लास्ट, ये होता है। तो डिफरेंस क्या है, 1/2, और 1 अपॉन फर्स्ट यानी कि 1 अपॉन फर्स्ट यानी कि 1/3, और माइनस 1 अपॉन लास्ट, 1 अपॉन लास्ट मतलब 1/15, 1/15। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने नहीं आता तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। जब भी नीचे अलग अलग वैल्यू हो तो आप नीचे पहले बराबर करो। देखो यहाँ 15 है तो हम इसको 15 बना सकते हैं, इसको 3 नहीं बना सकते, हम इसको 15 बना सकते हैं। तो इसको 15 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, अगर हम नीचे भी 5 से गुणा करें तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो ये बाहर है, ये बन जाएगा 5/15 माइनस 1/15। अब जब नीचे वाली फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर होती है तो हमें कुछ नहीं करना होता, ऊपर जो बोला गया है वो करते हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट बंद, 4/15, 4/15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1/2 × 4/15, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/15। लेकिन इतनी बड़ी रामघाता नहीं करनी आपको, जब भी आप ये फॉर्मूला देखोगे तो कभी आप 1 अपॉन डिफरेंस, कभी आप यहाँ प्लस कर दोगे, कभी कुछ कर दोगे, तो ये याद मत रख के, आप ये याद रखो कि जब भी ऐसा पैटर्न देगा, फिक्स पैटर्न देगा, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है ये कितने कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं, तो आपको ऊपर 6 लिख लेना है, ठीक है, आपको ऊपर 6 लिख लेना। अब नीचे का आपको क्या करना है, नीचे करना है 1 अपॉन में फर्स्ट और गुणे 1 अपॉन में लास्ट, यानी कि नीचे नीचे आपको करना है 3 × 15, यानी कि पहला और लास्ट ले लेना है। अब 3 से 6 को काट दोगे 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/15। देखो यहाँ भी 2/15 आया आपका, और यहाँ भी 2/15 आया। तो इस तरीके से आपको इस वाले सिक्वेंस के क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको सिक्वेंस बना के दिया है, कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंस बना नहीं होगा, जैसे यहाँ 15 दे देगा, यहाँ 35 दे देगा, तो आपको बनाना है 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, पहले छोटा लेना है फिर बड़ा लेना है, और ये एक फिक्स पैटर्न पे होगा। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही टाइप है। मैं बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा लंबा ना खींचना पड़े, आप कम क्वेश्चन बनाइए लेकिन अपने दिमाग में रखिए। हज़ारों क्वेश्चन बना के आप एग्जाम में लेकर दिमाग में नहीं जा सकते, आप कुछ क्वेश्चन को बना के अपने दिमाग में रख के जाइए और सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे वहाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बहुत आते हैं एग्जाम में। इसमें देखिए ये 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। देखो अगर हम इसको, जो इसका पुराना तरीका है सॉल्व करने का, अगर हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कम से कम ये आपको 2 मिनट ले जाएगा, लेकिन आप उस पुराने तरीके से मत करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो मन में खुश हो जाओ कि बहुत आसान है, ठीक है। पुराना तरीका नहीं बता रहा हूँ, पुराना तरीका मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ कि जब ये इनफाइनाइट है तो इसमें से कोई भी चीज़ हम एक्स मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसको छुपा लेंगे तब भी ये इनफाइनाइट है, इसको छुपा लेंगे तब भी ये इनफाइनाइट है, तो हम इसको छुपा के इसको हम एक्स मान लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ता है। तो वो मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा, आपका क्वेश्चन का आंसर जब नॉर्मली आ रहा है तो आप वो क्यों सीखोगे। तो ये जब भी आप देखो ऐसा, तो इसको तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले 3 और 4, 3 × 4 = 12 होता है, छोटी संख्या पहले लेनी है, बड़ी संख्या बाद में लेनी है। तो ये देखो 3 × 4 में टूट रहा है, तो अगर बीच में प्लस है तो इसका आंसर बड़े वाला होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। जब प्लस होगा तो इसका आंसर होगा 4, और जब माइनस होगा, तो बीच में अगर माइनस दिया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ओके।
प्लस होगा बड़े वाला, माइनस होगा छोटे वाला। अगर इसी की जगह माइनस दिया होता तो आपका आंसर हो जाता 3। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इनको तोड़ना है आपको, जब भी ऐसा दिखे आप खुश हो जाइए, फटाफट तोड़ लीजिए। और यहाँ पे नंबर भी वैसा देगा जो आप तोड़ सकते हो, पहाड़ा जिसका आपको आता होगा, समझे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला टाइप ये होता है, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें जब भी देखोगे तो आप ये कन्फ्यूजन हो जाओगे, ये जो प्लस दो है इसका हम क्या करें। देखो इस प्लस दो का मतलब मैं सीधा बताता हूँ। देखो जब भी यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम एक मानते हैं, अगर यहाँ अंडर रूट 12 के पहले कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। इस एक से कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होने वाला। इस एक का मतलब ही होता है कि इन दोनों को तोड़ने के बाद बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक, यहाँ एक रहेगा। यानी कि जो जितना यहाँ रहेगा उतना ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये पैटर्न बैठेगा। तो यहाँ पे भी वही पैटर्न हमको बैठाना है। अगर यहाँ दो दे रखा है तो हमें इसको ऐसे पहाड़े में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर दो होगा। अब इस संख्या को देख के कैसे पता लगाएं कि ये किसके पहाड़े में आएगा? तो नॉर्मली अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे। देखो 3, 1, 4 और 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। जब भी हम अल्टरनेट को जोड़कर घटाते हैं और अगर वो 11 या 0 हो जाता है या 11 का मल्टीपल हो जाता है तो वो 11 से घटेगा, यानी कि ये 11 के पहाड़े में आएगा। और 11 के पहाड़े में कितनी बार आएगा? 13 × 11 करेंगे तो 143 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 × 13, और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, यानी कि ये पैटर्न फिक्स हो गया, ये 2 मैच कर गया। तो इसका आंसर क्या पूछा है? इसका आंसर अगर ये बीच में प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा 13, अगर यहीं पे बीच में माइनस देता तो इसका आंसर हो जाता 11। ठीक है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, सीखना है, ये सीख के आप केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन ये फ्रैक्शन में दे दिया है, ये इनफाइनाइट तक है। सबसे पहले हम ऊपर वाले को तोड़ेंगे। तो देखो 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस एक आए, तो 8 × 9 72 टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 को तोड़ेंगे, तो 56 को कैसे तोड़ेंगे कि उनके बीच का डिफरेंस एक हो जाए, तो 56 को तोड़ेंगे हम। 56 किसके बारे में आएगा? 56 आएगा आपका 7, 8, 56, तो 7 × 8 टूट गया। अब ऊपर वाले में माइनस है तो माइनस के लिए हम छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा वाला 8 है। नीचे वाले में भी माइनस है, नीचे वाले में भी छोटा हमें लेना पड़ेगा, तो नीचे वाले में 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/7। ठीक है, 7, 8, 56 और 8, 9, 72, 7, 8, 56 और 8, 9, 72। ठीक है, तो इसका आंसर 8/7 हो जाएगा। अगर नीचे प्लस दे देता, अगर नीचे प्लस दे देता तो नीचे हमें बड़ा वाला लेना पड़ता, और जब हम बड़ा वाला लेते तो इसका आंसर 1 हो जाता है। इस प्लस माइनस को थोड़ा गौर करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि m ये दिया है और n ये दिया है और m माइनस n पूछा है। जब भी इस तरीके का देगा, देखो ये भी वही क्वेश्चन है, इसको आपको तोड़ना है, लेकिन अब आप 13 को किसी पहाड़े में तोड़ ही नहीं सकते। तो अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि मैं बनाऊँ कैसे। सनी भाई ने तो वो बताया था कि इसको तोड़ना है पहाड़े में, लेकिन यहाँ तो तोड़ ही नहीं सकते। तो इसने m और n की भाषा में पूछा है, तो अब आप इसको कर क्या सकते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक वैल्यू कम होती है और एक वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, एक तो a मिलेगा और एक मिलेगा a+1। मतलब इसका कोई भी पहाड़ा जो बनता वो यही तो बनता a और a+1, और इसका भी वही पहाड़ा बनता a और a+1। तो जब भी प्लस वाला होता है तो हम बड़ा वाला लेते हैं, तो यानी m जो बराबर निकलेगा वो निकलेगा a+1, और n क्या निकलेगा, n छोटा वाला निकलेगा, तो n छोटा क्या होता है a, तो n बराबर हो गया a। अब इसने m और n पूछा है, तो m माइनस n, तो m क्या है a+1, और n क्या है a, तो माइनस कर दो a। तो जब भी देखो प्लस और माइनस से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, सिंपल सा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन सभी क्वेश्चन को लिख लेना। ठीक है देखिए अब अगला टाइप शुरू हो गया सिंप्लीफिकेशन में। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम मिलता है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का तो दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, तुरंत याद आता है कि कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला हमें याद नहीं है अलजेब्रा का। तो सिंपल सा है इस क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है ये एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर बनता है। वो फॉर्मूला नाम से आप डरिए मत, वो कोई फॉर्मूला है नहीं कहने लायक, सिंपल सा है। ये बहुत से लोगों को, सबको आता है ये, कि जब भी a प्लस बी, ये अलग से चीज़ मैं बता रहा हूँ पहले सीख लो, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, यानी कि वही चीज़ एक बार जोड़ी गई हो और वही चीज़ एक बार घटाई गई हो, इसका गुणा क्या होता है? इसका गुणा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है। सिंपल सा याद आपको रहेगा कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, ए प्लस बी
ब्रैकेट बंद इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैक्सिमम सबको आता है तो इसी के ऊपर ये बनेगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम इस 2 की पावर 8 को छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसकी एक ट्रिक है वो आपको बता दूंगा। इस 2 की पावर 8 को छोड़ देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 2+1 2 की स्क्वायर + 1 2 की पावर 4+1 यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब कुछ नहीं होता तो हम एक कर सकते हैं। और एक हम कैसे कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं 2 माइनस 1 करके भी हम एक ला सकते हैं। तो हम इसको क्या बनाएंगे, देखो 2 माइनस 1 इसका मतलब एक होता है, यहाँ पे एक रख देंगे तो ये भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखें ना रखें बराबर है 2 माइनस 1, और यहाँ क्या है 2+1 2+1, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, a माइनस 1 और a+1, तो ये क्या बन गया a² - b² तो a² - b² यानी कि a यहाँ, यानी कि 2 की पावर 2 - 1 की पावर 2, ठीक है। अब ये मिल गया हमें इससे, और ये मिल गया इससे यहाँ तक से। अब ये वाला बचा, अब ये वाला यहाँ उतार लो 2 की पावर 2, और प्लस में एक का कुछ नहीं है तो एक को भी हम पावर चढ़ा देते हैं। तो अब हमें इससे क्या मिलता है, हमें फिर से वही मिल जाता है a माइनस b इंटू a प्लस b ये फिर से हमें a² - b² मिल गया। तो अब 2 की पावर 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो a² - b² 1 की पावर कितनी कर दो 1 की पावर भी 4 कर दो, ठीक है। 1 की पावर कितनी भी कर दोगे 1 ही रहेगा। तो अब ये मिल गया, अब ये मिल गया, तो अब ये वाला सॉल्व हो गया हमारा। अब इसके बाद ये बचा, अब हम ये यहाँ ले लेते हैं। अब ये मिल गया है, इसके बाद हमें ये यहाँ ले लेते हैं 2 की पावर 4+1 की पावर कुछ नहीं है, हम कितना भी पावर लगा लें तो हम 4 ही लगा लेते हैं। अब ये भी क्या मिल गया हमें a माइनस b a प्लस b क्या होता है a² - b² अब 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 8 - 1 की पावर 8। तो अंत में हमें क्या मिला, ये वाली चीज़ मिली हमें इस पूरे को सॉल्व करके, ठीक है ये वाली चीज़ मिली। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 - 1 1 की पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही होता है। हमें ये मिल गया और इसके आगे ये लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 8 - और फिर ये लिख लेते हैं 2 की पावर 8 - 1, ओके। तो 2 की पावर +8 है और 2 की पावर -8 है, 2 की पावर+ में है और 2 की पावर -में है, ये कट जाएगा। एक चीज़ और इसमें मिस हो गई है, वो ये है कि देखिए जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया तो हमारे पास ये है, और ये जो है वो है ये ब्रैकेट में, तो हमें इसको अभी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 है तो यहाँ पर अब ये सॉल्व होगा 2 की पावर 8 - 2 की पावर 8, और ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस गुणा जब होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 8 + 2 की पावर -8 - तो ये कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। देखिए अब इतनी बड़ी रामायण करने से अच्छा है कि आप इसका पैटर्न समझ लें। पैटर्न में क्या होगा कि इस सीरीज़ में एक बार मतलब 1 आएगा, 1 आने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, जो कि हम ये लगा लेते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा। मतलब एक सीरीज़ होगी जिसमें पावर मल्टीपल होता रहेगा, यानी कि 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 4 बार है, फिर 8 बार है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे आखिरी वाली पावर होती है उसको हम डबल कर देते हैं, यानी कि इसको हम पकड़ लेते हैं। तो उस ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो ट्रिक्स कैसे बन जाएगी, इसको हम पकड़ लेते हैं। तो हम इतने को हम क्या लिख सकते हैं, हम इतने को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 - 1, ये हमारा इतने का सोल्यूशन हो जाएगा। उसके पहले जो लिखा है फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो यानी कि 2 की पावर 8 हो जाएगी, उसके बाद ब्रैकेट मतलब यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ माइनस ले लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्योंकि ये ब्रैकेट में है, बड़े वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ बड़े वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो एक ब्रैकेट में ही रहेगा 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 में है, 28 नहीं है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 - ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 की पावर 8 - 1, 2 की पावर 8 - 1, ये इसकी पावर को डबल कर देंगे और एक माइनस लिख देंगे हम, ठीक है। तो इतने को सॉल्व करके ये हो जाएगा सिंपल सा, मतलब इतना नहीं करना, आपको ये पकड़ लेना है और इसमें आखिरी वाली पावर देख लेनी है, उस पावर को डबल कर देना है और -1 कर देना है, ठीक है। तो इतने के लिए हम ये लिख लेंगे और फिर इसको हम आगे लिख लेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 कट जाएगा और -(-) + हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इतना करने से अच्छा है आप ये याद रखो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से देख लो, नोट कर लो।
देखिए एक क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब थोड़ा सा अलग है वैसे ही लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें टू मतलब माइनस वन हमें लगा लगाया मिल रहा है, मतलब कि माइनस वाला हमें लगा लगाया मिल रहा है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जब हमें ये पैटर्न मिल रहा है तो हमें क्या करना था, ट्रिक्स के साथ हम इसको करते हैं जो लास्ट की पावर थी, लास्ट वाली वैल्यू को पकड़ के उसकी पावर को डबल कर देते हैं, यानी 2 की पावर 16 और माइनस माइनस एक, तो इतने का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। और इसके पहले ये है तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 की पावर 16 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दो, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर 2 की पावर 16, फिर माइनस एक। अब 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस एक, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी सीख लेते हैं, ये भी उसी पैटर्न पे बनेगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस वाली सीरीज मिली है लेकिन कहीं माइनस नहीं है बीच में, और माइनस हमें चाहिए भी क्योंकि हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी चाहिए तभी जाके ये क्वेश्चन हमारा पूरा होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है, और एक हम कैसे बना सकते हैं, 2 माइनस 1 करेंगे तो भी एक हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 यानी कि देखो 2 माइनस 1 ब्रैकेट में बंद, इसको छोड़ दो, अभी अभी हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, इस वाले को छोड़ दो, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है, ये हम अपने से लगा ले रहे हैं, और उसके बाद ये तो यहाँ मिला ही है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर मिल गया, तो ये सीरीज वही वाली बन जाएगी। तो इसमें हमें कैसे ट्रिक्स के साथ बनाना था क्वेश्चन, लास्ट वाली को पकड़ना है, पावर डबल करना है, 2 की पावर 32 माइनस एक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया 2 की पावर 32 माइनस एक। उसके बाद हम इसको उठा लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 2 की पावर 32। और अब एक चीज़ ये देखने की, देखिए यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ माइनस है, तो हमें माइनस, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो हमें प्लस लेना है, 2 की पावर 32 प्लस ब्रैकेट 2 की पावर 32 माइनस एक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 32 प्लस 2 की पावर 32 प्लस और माइनस से क्या होता है, माइनस एक, ठीक है। अब 2 की पावर 32 और 2 की पावर 32 को इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी नीचे बेस सेम होता है और नीचे प्लस में होता है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये x है, x की पावर 32 और यहाँ भी x है, x की पावर 32, ठीक है। तो x x क्या हो जाएगा, 2x और 2x की पावर 32 हो जाएगा, ठीक है, 2x की पावर 32 हो जाएगा। और 2x का मतलब क्या है, यानी कि 2 × 2 की पावर 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 कितना है, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 2 के ऊपर 1 मान लेते हैं, तो 2 के ऊपर 1 और 2 के ऊपर 32, जब नीचे दोनों गुणा में हैं और बेस सेम है तो जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 33 हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो जाएगा 2 की पावर 33 और ये माइनस एक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 33 माइनस एक, ठीक है। तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन, तो ये सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, सीख लीजिए, प्लस माइनस का खेल समझ लीजिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का सिंप्लीफिकेशन का, इसके बाद अब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। देखिए ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन इसमें वैल्यू नहीं दी होती है, इसमें एक्स के रूप में ये क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर भी एक्स के रूप में ही पूछता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें कहीं भी माइनस नहीं है तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और ए माइनस बी हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें रिपीट मतलब ये पैटर्न वही है, देखिए 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128, यानी ये पैटर्न वही है, बस हमें एक माइनस वाला चाहिए। तो हम माइनस वाले के लिए हम इसके पहले एक माइनस वाला भी लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक नीचे लिख लेते हैं कि एक हम एक्स माइनस वन भी लगा लेते हैं। अब ये पैटर्न बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये पैटर्न मिल जाएगा, यानी कि ये वही वाला पैटर्न अब बन जाएगा। और जब ऐसा पैटर्न बनता है तो मैंने कैसे एक चीज़ और देखिए कि जब हम यहाँ पे अलग से लगा रहे हैं, मतलब इस फॉर्मूले में हम यहाँ एक्स माइनस वन लगा रहे हैं क्योंकि ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक नहीं हो सकता। जब एक होता तो हम नीचे
मतलब यहाँ पे एक होगा, 10 होगा, कुछ कह नहीं सकते कि एक्स माइनस वन क्या हो सकता है। तो जब हमें कुछ पता नहीं है कि जब पहले हम यहाँ पे एक बनाते थे, इन क्वेश्चनों में हम यहाँ पे एक बनाते थे, तो नीचे ऑलरेडी एक हो जाता था, यानी कि बटे में एक हो या ना हो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में एक हो या इसके आगे एक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ही नहीं पता कि ये एक्स माइनस वन क्या हो सकती है। तो जब वैल्यू नहीं पता और हम इसके आगे लगा रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन में भी एक्स माइनस वन नीचे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो देख लो, उसको हमें डबल करना है, यानी कि 128 है, 128 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। तो यानी कि एक्स की पावर 256, और फिर हम माइनस लगाते थे -1, इसका आंसर तो ये हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे x प्लस वन लगाया है, तो हमें इसके बटे में भी लगाना पड़ेगा, और इसके बटे का मतलब है इसके बटे में भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x माइनस वन हो जाएगा, तो x की पावर 256 माइनस वन, और x माइनस वन, इसका पूरा का पूरा आंसर ये बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही आपको ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन में से आपको ये टिक करना है, समझे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस 20-25 मिनट की क्लास में आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन करा दिया, ये 5वीं क्लास थी मैथ्स की, और इन 5ों क्लास में मैंने आपको नंबरों के बारे में पढ़ा दिया, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया, फ्रैक्शन में जो सिंप्लीफिकेशन आता है वो पढ़ा दिया, और ऐसे जो पैटर्न बेस्ड सिंप्लीफिकेशन होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये वाला सिंप्लीफिकेशन बहुत आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये फ्रैक्शन वाला आपको बता दिया, और इससे पहले भी 4 क्लास में मैंने आपको नंबरों के बारे में बताया, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपको सारी संख्याओं के बारे में जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब मैं आपको करा चुका हूँ। तो आप उन 5ों क्लासों को देख सकते हैं। ये क्लास आपको जितने भी कोर्ट के एग्ज़ाम है, चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट के हो, चाहे पटना कोर्ट के हो, उन सभी में आपको बहुत बेनिफिट करेगा, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की भी क्लास मैं इसी चैनल पर दूंगा। हिस्ट्री की एक क्लास हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी नंबर सिस्टम पे होगी, जिसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल, फ्रैक्शन और बाकी जो टॉपिक होते हैं नंबर सिस्टम के, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा। जय हिंद।